आज कोरोना का टेस्ट कराना है। गरीब 2000 लोग खड़े हुए हैं और अमीर 200 लोग खड़े हैं, तो पहला नंबर किसका आएगा? अमीर का आएगा। वो अपने इन्फ्लुएंस से जाकर सीधे सीधे टेस्ट कराकर चला जाएगा। ये गरीब को टेस्ट कराना है, तीसरे दिन नंबर लगेगा उसको। अपने इन्फ्लुएंस से, अपने पोजीशन से, अपने स्टेटस से, अपने पैसे से वो एक मिनट में काम निकलवाता है। जिसके पास में 10,000 करोड़ है, उसे लाइन में खड़े होने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन रोज कयामत में देखिए, जितनी दौलत आप लेकर जाओगे उतनी पीछे खड़े होना होता है आपको, उतनी देर बाद आपको जन्नत मिलती है, जन्नत या दोजख जो भी जाना है आपको। क्योंकि जिसके पास जितना पैसा है उतना कठिन एग्जाम से गुजरना है रोज कयामत में। तो सक्सेस अगर आप मेजर कर रहे हैं पैसों से किसी के, बिगेस्ट मिस्टेक यू आर एवर मेकिंग इन दिस लाइफ। कामयाब इंसान को देखना है तो उसके कैरेक्टर को देखिए, उसके अखलाक को देखिए। वो गरीब है लेकिन हाथ ऐसे नहीं फैलाता है, वो अल्लाह से ही मांगता है, वो मेहनत की रोटी खाता है, वो जाकर लोगों के दर दर जाकर खाने नहीं मांगता है, वो मेहनत करता है, वो 100 रुपए ही कमाता है, वो सूखी रोटी दाल में बड़ा खुश रहता है, क्योंकि उसके सामने उसको जन्नत दिखती है सिर्फ 10 फीट के दूर। उसको यकीन होता है कि मुझे मरना है, और दुनिया का सबसे जबरदस्त अगर कोई सच है वो है मौत। दुनिया में कई चीजें होते ना सच झूठ में, सबसे बड़ा सच क्या है दुनिया में? इंसान मरने आया है, इस पर यकीन करना है। मैं, आप और हम सब जितने भी यहां बैठे हैं, हम सब को यकीन है कि हमने एक दिन मरना है। ये पहला थॉट। दूसरा जो थॉट है, मौत कभी भी आ सकती है, इस पर कोई इनकार नहीं करता है। इस हॉल में कोई बंदा है जो मौत कभी भी नहीं आ सकती, 40 साल बाद ही आएगी, ऐसा कोई बोल सकते हैं यहां पर? मौत पर यकीन है आपने? कभी भी आ सकती है इस पर यकीन है? अभी आप मर सकते हैं इस पर यकीन है? यहां नहीं होता है। दो चीजों पर सबको यकीन है, थर्ड पर आपको यकीन ही नहीं है। मैं तो यंग हूं, मैं जवान हूं, मैं फिट हूं, बुखार कभी 10 साल पहले मुझे आया था, मैंने तो 5 साल में कभी छींका नहीं, मैं फिट हूं, मुझे तो नहीं आएगी, मैं कम से कम 30-40 साल तो जीऊंगा। ये ईमान की कमजोरी है, यही ईमान की कमजोरी है। एक सेकेंड में, नेक्स्ट सेकेंड आप मर सकते हैं, द वेरी नेक्स्ट सेकेंड, इस पर यकीन रखना। तो वो इंसान डर डर के जिएगा जिंदगी, वो इंसान गुनाहों से बचेगा। थॉट बहुत जरूरी है, माइंडसेट जिसे बोलते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीन चीजों के बारे में मैंने बात किया था। आप लोग खुदा को जानिए और खुद को जानिए। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा इंसान कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता है। A student of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam can never be the victim of depression. Answer me, please. तभी तो कहा गया ना, मायूसी कुफर की अलामत है। मायूस इंसान कभी होना ही नहीं है। शेर की तरह जिंदगी जीना है। परेशानी आए तो आप उसको सामना कीजिए, और जब खुश होते हैं तो खैरात कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। इस अंदाज में जिंदगी को बैलेंस में लेकर चलना सीखो। परेशानी जब आती है तो पूरे ढीले हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। मायूस नहीं होना है, बिल्कुल एक्टिव जिंदगी जीना है। 40, 50, 60 साल जीने आए हैं हम लोग, मौत कभी भी आ सकती है। ऐसे सोचकर जियो कि अभी बस मरना है हमें, तो फिर देखो आप कैसे जबरदस्त जिंदगी जिएंगे।